हेलो ऑल द जी पैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स आई होप आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स अच्छे से गई थी एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड एंड चैनलाइज्ड फॉर अवर जी पैट ट्वेंटी ट्वेंटी अभी और कोई बीच में ऐसी कोई बड़ी एग्जाम नहीं है जो आपका फोकस डाइग्रेस कर सके तो अभी हमारा पूरा एनर्जी जीपैट प्रिपेरेशन के लिए होना चाहिए ऑल राइट एंड टू स्टार्ट विदीपैट प्रिपेरेशन द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू गज टू डू इज टू गिव अ मॉक टेस्ट नाइनटीन नवंबर को आपके एप्स पे एक मॉक टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा आप सभी लोगों को वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देनी है डज नॉट मैटर कि आपने कितना पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सेमेस्टर सेवन की मदद से जितना याद है जितना आता है या आपके बेसिक प्रिपरेशन जी का जो भी था उससे जितना भी आता है आप सभी लोगों को वो मॉक टेस्ट देनी है मॉक टेस्ट दीजिए सो वी अंडरस्टैंड कि आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी कितना है सेम सेवन के लिए जो पढ़ा था एक पंद्रह बीस दिन या एक महीने पहले वो आपको कितने टाइम तक याद रहता है एट द सेम टाइम पुरानी चीजें आपको कितनी याद रहती है सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रिकॉलिंग कैपेसिटी एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेर यू स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर सिलेबस ओके सो वेन यू गिव द पेपर आई वॉन्ट यू गाइज टू एनालाइज योर पेपर इन अर्टन पैटर्न और वो एनालिसिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है सो दैट यू गाइज क्रिएट दैट एनालिसिस शीट गेट दैट शीट टू मी

हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट क्वेश्चन कितने थे सिर्फ जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो हंड्रेड परसेंट एक्ूरेट है वो लिख दी उसका नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए सो so, जैसे मैंने एक सैम्पल सेट पच्चीस क्वेश्चन का बनाया है उसमें से इतने क्वेश्चन करेक्ट थे तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया है फिर 50, 50, 60, 40 लाइक like कंफ्यूज वाले दो तीन ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैसे वाले क्वेश्चंस है तो उनका नंबर आप नीचे सेकंड कैटेगरी में लिख दीजिए और थर्ड कैटेगरी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है वो आप नीचे लिख दीजिए ये आप इस तरह से पहले तो कैटेगरी बना दीजिए ओके नाउ सर हमें ब्लाइंड वाले क्वेश्चन तो करने हो तो जाने ही दो अब बाद में आपने जो हंड्रेड ग्रीन वाले और येलो ऑरेंज uh, वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं सर लेकिन हम सारे अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकती है उसका मैं डिस्कशन बाद में करूंगा उसका आप टेंशन मत लो वो सारी जो थियरीज है सारा जो मैथ्स है वो मैं आपके साथ लेटर स्टेजेस पे डिस्कस करूंगा राइट ना वट आई वॉन्ट यू गैस टू डू इज दिस ओके अटेम्प्ट क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर और फिर आप अटेम्प्ट खत्म करने के बाद जब आप पेपर सबमिट करते हो जब आपको आंसर की मिलती है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके कौन से कैटेगरी में कितने मार्क्स बनते हैं सर व्हाट डू यू मीन तो से फॉर एग्जाम्पल बेटा ऐसा बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आपने तेरह क्वेश्चन किए जो हंड्रेड परसेंट श्योर थे तो तेरह के तेरह राइट होंगे तो ऐसा नहीं है यू ऑल्सो नो कि शायद तेरह में से सिर्फ ग्यारह राइट गए ओके okay, तो जब ग्यारह राइट जाएंगे तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको फोर्टी फोर लेकिन दो रॉन्ग भी तो गए हैं तो आपको फोर्टी टू बनता है सो फ्रॉम अ पोटेंशियल फिफ्टी टू मार्क्स यू आर गेटिंग फोर्टी टू मार्क्स ओके okay, फिर आप देखेंगे कि जो पार्शियली अनश्योर वाले थे या कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे वो कितने हैं यहाँ पे से आठ क्वेश्चन है पता चला वो गलती से आठ में से आपके तीन राइट right बन गए तो तीन राइट right बन गए तो आपके उधर बारह मार्क हो जाते हैं और माइनस फाइव हो जाता है तो आपका एक प्लस सेवन का यहाँ पे भी आपको स्कोर मिल जाता है ओके okay, और ये ब्लाइंड वाले तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे सो <coughs> तो आपको ये तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको लगा था कि वो हंड्रेड परसेंट श्योर है क्या वो एक्चुअल में राइट right गया सो so, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन क्या लेवल पे चल रहा है ओके एवरी कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट हर एक कैटेगरी में नंबर्स कितने आ रहे हैं बेस्ड ऑन दैट हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा आफ्टर यू गिव योर मॉक पेपर ओके सो नाइनटीन को यू गाइज गिव द मॉक पेपर सिटिंग एट होम इट्स एप्सोलूटली फाइन गिव योर एग्जाम ऑन ट्वेंटी सिक्स वी मीट एट द दादर सेंटर सॉरी द वी आर रनिंग अ वीक बिहाइंड ओके सो ऑन ट्वेंटी सिक्स वी मीट एट द दादर सेंटर अलॉटमेंट है, है वो भी आपका ट्वेंटी सिक्स को हो जाएगा और राइट right? अब उसके अलावा गाइज एवरी वन ओके आप गाँव गए हो आप कहीं पे भी हो आप मुंबई में नहीं हो ड नॉट मैटर वैसे भी आपको घर पे बैठ के एग्जाम देनी है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू

तो वो टाइम पे जो एक सोशल प्रेशर आया था पर्सनल कॉन्फिडेंस जो ड्रॉप हुआ था कि यार एम आई अ गुड स्टूडेंट और नॉट एम आई केपेबल इनफ और नॉट फॉर अ गुड करियर दिस इज योर चांस टू रिडीम योर सेल्फ गाइड कि राइट की अभी ये एक जीप एग्जाम है गो ऑल आउट ओके लाइक एब्सुलटली ऑल आउट हंड्रेड परसेंट फोकस अनडिवाइडेड अटेंशन ऑन दिस एग्जाम

You are a good student. You had the potential. Just one underperformance in the NEET exam cannot label me as a below average student, guys. So, this is your chance. Let's do it together. If you need any help with respect to your preparation, I'm always there. Uh, the entire team is always there. You can always talk to us. So, guys, let's give this exam on the 19th all the best and let's do it. Thank you.